शीतोपल आदि सूखी खांसी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा कफ भी आता हो उसके साथ, त्रिकुटा पाउडर, त्रिकुटा चूर्ण है वो, उसको मिला लिया करें। कंठामृत, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये हमने कंठामृत रखा हुआ इसी के लिए, इसको कभी भी ऐसे अचानक थोड़ा खांसी सी आ गई, इरिटेशन सुबह गले में, लवंग आदि खदरा आदि बटे तो हमारे यहाँ प्रयोग करते ही थे। और मुलेठी काली मिर्च मिश्री लौंग थोड़ा सेक करके, हल्दी अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला, उससे भी एकदम से खांसी रुक जाती है। और जिनको खांसी हो ना, उनको अनार पपीता उबला हुआ सेब उबला हुआ अमरूद, हाँ अमरूद ठंडा होता है, और उसको स्टीम करके ले लो ना अमरूद को और सेब को, तो खांसी की औषधि बन जाता है। थोड़ा अनार पपीता सेब अमरूद उबला हुआ अनार, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, और चना खिला देते हैं। ये चना ये रखा हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, चिकनाई खटाई आइसक्रीम, फिर अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स, ये मिठाई ये स्वस्थ लोगों के लिए है, और वो भी थोड़ी मात्रा में खाया करें। अति सर्वत्र वर्जये, हाँ तो देखो ये जो है खांसी के लिए मध्यम गति से वस्त्री का कपाल भाती जरूरी है। जो उष्ट्रासन और चक्रासन करो बेटियों, जो उष्ट्रासन करते हैं पीछे फिर चक्रासन, आगे फिर भुनमनासन, फिर जो है डिम्बासन, ये जो कर लेते हैं उनके तो फेफड़े सुपर हेल्दी होते हैं। अब धीरे धीरे अपने बच्चों को ऐसे ही करवाना जैसे हमने अपने बच्चों को ट्रेंड किया हुआ है, बहुत अच्छा योग कर रहे हैं बच्चे, ऐसे जो योग करेंगे उनके तो फेफड़े बहुत बड़ा तंत्र है साहब। 2400 किलोमीटर लंबा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और उसके साथ जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है, एक के साथ दूसरा जो है लिंक है पूरी बॉडी का।